श्री महेश सेवा समिति द्वारा संचालित श्री महेश पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि घनश्याम नुआल, श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम चेचाणी, सचिव राजेंद्र कचौलिया, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण मुंदड़ा, समिति के सदस्य दिलीप तोशनीवाल, दिनेश शारदा, गोपाल लाल सोमानी, ओम प्रकाश मालू एवं चंद्र प्रकाश कालिया द्वारा किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से विज्ञान, गणित व राजनीति विज्ञान से संबंधित मॉडल तैयार किए। विद्यार्थियों ने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, रसोई घर से निकले बेकार पानी का सिंचाई में काम लेना इत्यादि विषयों पर प्रासंगिक मॉडल बनाए। रोबोटिक्स के द्वारा विज्ञान के आधुनिक युग में विज्ञान की उपलब्धियां भी बताई गई। रोबोट किडनी, मानव मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और नेत्रों की संरचना और क्रिया प्रणाली के वर्किंग मॉडल भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। उत्सुकतावश सभी ने अपने जन्मदिन जानने के लिए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। अवसर था दिन और दिनांक की गणना वाले मॉडल का। प्रदर्शनी में वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी भी पीछे नहीं रहे और अपने कौशल का परिचय देते हुए टैक्सेशन और GST की जानकारी और RBI की कार्यप्रणाली को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सभी मॉडल्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं पर बच्चों का पूरा पूरा ध्यान है और उसे दूर करने के लिए भी वे प्रयासरत हैं। And then I dip the uncharted knife into ferric chloride and then when I react them, they make fake blood. So don't be serious while watching the robotics, integrated farming, political system. Some students have displayed their models on mathematics, science, etc. Parents, management members also visited over here and everyone appreciated the efforts of the students. Thank you. Political system is a master of all the systems like economic, education, etc. It is very crucial for each and every society. So without the existence of political system, we can't imagine a society with peace and progress. So it is very important to make the political system healthy and long-lasting. For the long use of political system, it is very important to interact with the society in a healthy manner. Political system will react to it and output will be produced. For this, we can imagine various situations. Firstly, input. If there is a demand and support from our society but our political system is not reacting to it and no output is produced, then our political system will collapse. There are two definitions of executive, the narrow one and the broad one. Narrow definition states that if every permanent bureaucrat is a part of executive.